Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? This is new syllabus primary mathematics workbook 5B. पेज नंबर 77 पर रिवीजन 3B का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करेंगे. वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. यहां पर हमसे कहा जा रहा है अ क्लर्क वाज पेड $80 पर डे टू वर्क ऑन वीकडेज. ठीक है, एक क्लर्क की जो पर डे की सैलरी है वो आपको यहां पर बता रहे हैं. पेमेंट उसको मिलती है हर रोज के हिसाब से $80, लेकिन वीकडेज की. एंड $100 पर डे टू वर्क ऑन वीकेंड्स. अगर वीकेंड्स के ऊपर वो काम करता है यानी सैटरडे संडे को, तो उसके पर उसको मिलते हैं $100 पर डे. यानी सैटरडे के $100 और संडे के भी $100. लास्ट वीक शी वर्क फॉर 5 डेज एंड वाज पेड $440. लास्ट वीक उसने 5 डेज काम किया और उसको $440 मिले. हाउ मेनी वीक डेज डिड शी वर्क. तो उसने कितने वीक डेज काम किया होगा. सिंपल है. हम यहां पर 80 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 से, हमें पता चल जाएगा. तो बच्चों अगर वीकडे का हम रेट लगाएं $80 एक दिन के हिसाब से, 5 दिन का हमारे पास बनेगा $400. यहां पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 8 5s are 40 और 0 ऐड किया तो ये 400 बन रहा है. ठीक है, तो इस हिसाब से तो उसको 400 मिलने चाहिए थे, मगर उसको मिले कितने हैं $440. और कितना ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, $40 का. 440 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहां पर $40 बचेंगे. बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उसने पांचों दिन वीक डेज में काम नहीं किया. ठीक है, और आप यहां पर यह भी देख सकते हो कि हमारे पास जो डिफरेंस है वीकडे और वीकेंड का वो $20 का है, और ये डिफरेंस हमारे पास 40 का आ रहा है. यानी कि दो दिन उसने 20 × 240, इसका मतलब है यकीनी बात है कि उसने दो दिन जो है वो वर्क वो वीकेंड्स पर काम किया है. ठीक है बच्चों, तो बच्चों बस सिर्फ ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था. इसके अंदर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग्स नहीं है आपकी. यहां पर आपने बताया कि वीकेंड का जो आपके पास रेट है वो $100 है, जबकि वर्किंग डे का आपके पास $80 था. दोनों का डिफरेंस $20 का है और यहां पर उसका डबल आ रहा है, यानी दो दिन उसने वीकेंड्स के ऊपर काम किया है. तो यहां पर हम लिख देंगे विच इज $20 मोर देन ऑफ वर्किंग डे. इट मीन्स ही वर्क 3 वीकडेज एंड 2 वीकेंड्स. ठीक है, और हमसे यही पूछा था कि कितने वीकडेज उसने काम किया है, और आप यहां पर निकाल सकते हो आसानी से, आपको पता चल जाएगा. 80 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 240 आता है, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 200 आता है. दोनों को ऐड करोगे तो आंसर $440 आता है, जो कि उसको यहां पर पे किया गया था. ठीक है, तो यहां पर हमारा पेज नंबर 77 कंप्लीट होता है. अब देख लेते हैं पेज नंबर 78 पर क्वेश्चन नंबर 10, विच सेज द टेबल शोज द एडमिशन प्राइस फॉर 1 पर्सन एट ए स्केटिंग रिंक. ठीक है, एक जो है वो स्केटिंग रिंक के ऊपर जो एडमिशन प्राइस है वो आपको यहां पर बता रहे हैं कि पहले 2 घंटे के लिए $21 चार्ज होते हैं, रेट बता रहे हैं बच्चों यहां पर, और उसके बाद हर आधे घंटे या उसके पार्ट पे $3 चार्ज होते हैं. ठीक है, तो उसके आगे अब हमसे कह रहे हैं फरहान वेंट स्केटिंग. ठीक है, फरहान ने स्केटिंग की. ही पेड $33 फॉर द एडमिशन. अब बच्चों सवाल इन्होंने रिवर्स हमसे किया है. ठीक है, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि उसको कितनी पेमेंट करनी है, कि उसने इतने टाइम किया तो आप ये बता दो कि उसके कितने पैसे बनेंगे. नो, उन्होंने आपको आगे वाली चीज यानी पेमेंट बताकर आपसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द मोस्ट नंबर ऑफ आवर्स ही वाज एट द स्केटिंग रिंक. अब अगर इन्होंने हमसे पेमेंट पूछी होती ना कि कितना उसको पे करना है, हम क्या करते कि जो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स हैं उसके ऊपर रेट लगाते, सिंपली मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता वो हमारा हो जाता आसानी से. ठीक है, कि इतना इसको पे करना होगा. लेकिन जब सवाल उल्टा हो जाता है ना बच्चों, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, अपनी चीजों को स्प्लिट करके बैकवर्ड वर्किंग करनी पड़ती है. अब यहां पर इन्होंने कहा है कि $33 उसने पे किए हैं, जिसमें से बच्चों यहां पर $21 तो उसके फिक्स्ड है पहले 2 घंटों के लिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं, 33 − 21 कर दूं, तो जितना अमाउंट बचेगा वो यकीनन आधे 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 घंटों के ऊपर स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, अब आप इस चीज को जरा सबसे पहले समझें कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि $33 उसने पे किए टोटल, जिसमें से जो उसके $21 थे वो किसके थे, फर्स्ट 2 आवर्स के. ठीक है, तो अब यहां पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, हमारे पास यहां पर आंसर आ जाएगा $12. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो $12 इसने पे किए हैं ये इसने वेरिएबल अमाउंट पे किए, यानी कि हर आधे घंटे के ऊपर जो $3 चार्ज हो रहे हैं उसके अंदर इसने यकीनन आधे आधे घंटे के कुछ इंटरवल्स लिए होंगे कि इसको 12
जो है डॉलर्स पे करने पड़े। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं कि आधे घंटे के कितने इंटरवल्स इसने लिए होंगे? वेरी गुड, आपने सिंपली ये करना है कि आपने 12 को डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने आधे घंटे के इंटरवल्स लिए हैं। 12 को डिवाइड कीजिए 3 से, आंसर आता है 4, यानी कि इसने 4 आधे घंटे लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 2 घंटे के इसने $21 पे किए हैं और 4 आधे आधे घंटे के इंटरवल्स लिए हैं, तो इसने $12 पे किए हैं। 21 और 12 मिलकर इसके टोटल $33 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कितने घंटे बच्चों लिए हैं, तो पहले सीधे सीधे 2 घंटे और उसके बाद आधे घंटे के 4 इंटरवल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे आधे घंटे को 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो अगेन यहां पर भी 2 आवर्स और ये भी 2 आवर्स, 2 प्लस 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, 2 आवर्स प्लस हाफ आर के 4 इंटरवल्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये कितना बनेगा, 2 प्लस हाफ को मल्टीप्लाई करो 4 से, यहां पर सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 4 आवर्स और यही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बच्चों समझ लो कि यहां पर इन्होंने हमें जो फर्स्ट बात बताई थी वो ये थी कि इसने टोटल $33 पे किए जिसमें से पहले 2 घंटों के लिए $21 सीधे सीधे चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितनी अमाउंट है वो उसने हाफ 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 आवर्स के लिए पे की है। तो हमने कहा इट मीन्स ही पेड 33 माइनस $21 फॉर एवरी एडिशनल हाफ आवर। ठीक है, हर आधे घंटे के ऊपर जो $3 के हिसाब से बन रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी जो $12 हैं वो इसने हर आधे घंटे के ऊपर $3 के हिसाब से पे किए होंगे। तो कितने आधे घंटे बनेंगे, नंबर ऑफ इंटरवल्स ऑफ हाफ आवर, यानी कितने आधे घंटे हमारे पास बनेंगे, तो हमने $12 को $3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हर आधे घंटे के ऊपर $3 चार्ज हो रहे थे। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने आधे घंटे हैं, 4 आधे घंटे हैं। एक आधे घंटे के $3, 2 के $6, 3 के $9 और 4 आधे घंटे के $12। इस तरह से टोटल इसके $12 ये बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसने जो $21 दिए हैं उसके 2 घंटे और उसके बाद आधे आधे घंटे के 4 इंटरवल्स, इस तरह से ये भी 2 घंटे, तो 2 घंटे और 2 घंटे मिलकर इसके 4 घंटे बन रहे हैं जो इसने स्केटिंग रिंक जो है वो एडमिशन के लिए पे किया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।